गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप घर पे होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था एक कविता, हिंद देश के निवासी। उसका अभ्यास कार्य आप लोगों ने कर लिया था और हम लोगों ने कॉपी में भी वर्क स्टार्ट कर दिया था। कॉपी में आप लोगों ने नेम बॉक्स बनाया था, उसके बाद में आप लोगों ने चित्र बनाया था, चित्र के बाद में 8 लाइन कविता लिखी थी, उसके बाद कठिन शब्द किए थे और शब्द अर्थ भी लिखा था। अब बच्चों, हम लोगों को अगला पार्ट पढ़ना है। पार्ट क्या है? पार्ट 2। पार्ट का नाम क्या है आपके? भाग चूहे भाग। ये है आपकी पुस्तक वाटिका, पार्ट 2, भाग चूहे भाग। सबसे पहले तो आप लोग अपनी बुक और कॉपी लेके एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहाँ पे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। ले लीजिए अपनी बुक कॉपी और अपना पेंसिल बॉक्स लेके अच्छे से बैठ जाइए। बैठ गए सभी लोग? अब हम लोग ये जो कहानी है हमारी, भाग चूहे भाग, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ूंगी और आप लोग मेरे साथ साथ इसको दोहराएंगे भी। बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा ना कि चूहा जब बिल्ली की आहट सुनता है तो क्या होता है? बहुत तेज़ी से भागकर अपने बिल में छुप जाता है। देखा होगा ना सबने, जब चूहे बिल्ली चूहों को दौड़ाने आती है तो चूहे क्या करते हैं? जल्दी से भाग के अपने बिलों में छुप जाते हैं। और लेकिन अब इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक जो चूहा है वो बिल्ली का चित्र देखकर ही डर जाता है और अपने बिल में जाकर छुप जाता है। इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, चूहे और बिल्ली की एक कहानी है जिसमें दो चूहे हैं। बच्चों, इसके पात्र क्या हैं? पात्र दो चूहे, सामान दो मुखौटे, एक नन्हे चूहे का और दूसरा बड़े चूहे का, एक पेंसिल, एक ड्राइंग बोर्ड, एक चार्ट पेपर। बच्चों, मुखौटा क्या होता है? मुखौटा पता है आप लोगों को? एक नकली चेहरा होता है। मुखौटा क्या होता है? मुखौटा क्या होता है? एक नकली चेहरा होता है जो सबको डराने के लिए ऊपर से पहनते हैं। होली में आप लोगों ने देखा होगा रंग बिरंगे मुखौटे बिकते हैं जो हम लोग लगाते हैं, शेर का होता है, अलग अलग रूपों के होते हैं जो हम लोग लगाकर एक दूसरे को क्या करते हैं? डराते हैं। तो वही क्या है यहाँ पे? दो मुखौटे हैं, एक पेंसिल है, पेंसिल जिससे लिखते हैं, ड्राॅइंग बोर्ड जिस पर ड्राॅइंग बनाते हैं और एक चार्ट पेपर। एक बच्चा नन्हे चूहे का मुखौटा पहने ड्राॅइंग बोर्ड चार्ट पेपर और पेंसिल पकड़े हुए मंच पर आता है। वह ड्राइंग बोर्ड को दीवार के सहारे टिकाता है, उस पर चार्ट पेपर लगाता है, बैठकर पेंसिल को अपने गाल के पास सटाकर कुछ सोचने की मुद्रा बनाता है। अब क्या है बच्चों, एक जो बच्चा था उसने क्या पहना हुआ है? चूहे का मुखौटा पहना हुआ है। अब वो क्या बनाने जा रहा है? एक ड्राइंग बोर्ड लेके आया है, एक चार्ट पेपर को लेके आया है। उसने क्या किया है? ड्राइंग बोर्ड को लगा दिया है दीवार पे और अब एक वो सोच रहा है कि मैं कौन सी आकृति बनाऊँ। नन्हा चूहा, जो छोटा चूहा है, वो क्या कर रहा है? स्वयं से किसकी आकृति बनाऊँ, खुद से पूछ रहा है किसकी आकृति बनाऊँ। बड़े चूहे का मुखौटा पहने दूसरे बच्चे का प्रवेश, तभी क्या होता है? जिसने बड़े चूहे का मुखौटा पहना हुआ है वो दूसरा बच्चा भी आता है। बड़ा चूहा धमकाते हुए, अरे ओ नन्हे, ला या पेंसिल मुझे दे। नन्हा चूहा, नहीं बड़े भैया, पहले मुझे इससे एक चित्र बनाने दो। क्या कह रहा है बड़ा चूहा? उसको धमकाते हुए बोल रहा है मुझे पेंसिल दे दो, लेकिन नन्हा चूहा क्या कह रहा है? पहले मुझे चित्र तो बना लेने दो। बड़ा चूहा, चित्र? अच्छा, चल फिर बना, मैं भी तो देखूं तुम कितने बड़े कलाकार हो। नन्हा चूहा शर्माते हुए, मैं कलाकार नहीं हूँ, हाँ चित्र बनाने की कोशिश अवश्य कर रहा हूँ। बड़ा चूहा क्या कह रहा है? जल्दी से चित्र बनाओ। और लेकिन नन्हा चूहा क्या कह रहा है कि मैं चित्र बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा चूहा, चल वही सही, एक बार मेरे सामने भी कोशिश करके दिखा। नन्हा चूहा, अभी दिखाता हूँ, आप ही से तो सीखा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या कह रहा है नन्हा चूहा? कि जो लोग कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है, जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। अगर हम लोग भी किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो वो काम अवश्य पूरा होता है। बड़ा चूहा, हाँ बिल्कुल, कोशिश करते रहने से सब कुछ आ जाता है। नन्हा चूहा ड्राइंग बोर्ड की ओर मुड़ते हुए, बड़े भैया, चित्र बन जाने के बाद यह ज़रूर बताना कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया चित्र कैसा लगा। बड़ा चूहा, ठीक है, अब बना भी तो सही,
नन्हा चूहा चार्ट पेपर पर पेंसिल को फेरते हुए, बड़े भैया यदि मैं यह पेंसिल आपको दे देता तो आप इसका क्या करते हैं। अब नन्हा चूहा क्या कह रहा है अपने बड़े भाई से पूछते हुए, कह रहा है कि अगर मैं आपको ये पेंसिल दे देता तो आप इसका क्या करते। बड़ा चूहा क्या जवाब दे रहा है, बड़ा चूहा क्या करता तुम नहीं जानते। नन्हा चूहा बड़े चूहे की ओर देखते हुए, नहीं यह तो खाने के काम भी नहीं आ सकती, इसमें है ही क्या लकड़ी और बीच में कुछ काला काला, इसमें से किसी को भी खाया नहीं जा सकता। बड़ा चूहा, अब बड़ा चूहा क्या कह रहा है, हाँ तुमने ठीक कहा, इसे खा तो नहीं सकते पर कुतर तो सकते हैं। चूहे क्या करते हैं, चीज़ों को कुतरते हैं ना, तो बड़ा चूहा क्या कह रहा है, खा तो नहीं सकते लेकिन कुतर तो सकते ही हैं। अब बच्चों पेज टर्न करिए, पेज नंबर 12 पे आइए। मैं इसे कुतरूंगा तुझे पता नहीं क्या, अपने दांत पहने और छोटे रखने के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ कुतरना चाहिए। चूहे क्या करते हैं बच्चों, कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं, घर में कुछ पेपर पड़ा होता है उसको कुतर देते हैं, कपड़े कुतरते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कुतरते रहते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, अपने दांतों को पैना रखने के लिए, तेज रखने के लिए, जिससे कोई भी चीज़ वो आसानी से काट सकें, इसलिए क्या करते हैं दांतों से कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। नन्हा चूहा मैं आपकी ज़रूरत को समझ सकता हूँ, बस पहले मैं चित्र बना लूँ। बड़ा चूहा ठीक है तुम चित्र बना लो, इसके बाद मैं तुम्हारी पेंसिल को कुतर कुतर कर चूरा चूरा कर दूँगा। अब क्या कह रहा है कि चित्र बना लो, बड़ा चूहा कह रहा है छोटे चूहे से कि चित्र बना लो, उसके बाद मैं तुम्हारी पेंसिल को कुतर कुतर कर चूरा कर दूँगा। नन्हा चूहा लंबी सांस लेते हुए, बड़े भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेंसिल ना कुतरने के लिए क्या कर रहा है नन्हा चूहा, उसका धन्यवाद कर रहा है। उसने चार्ट पेपर पर एक बड़ा गोला और उसके अंदर तीन छोटे गोले बना दिए। अब क्या किया नन्हे चूहे ने, एक बड़ा सा गोला बनाया और उसके अंदर तीन छोटे छोटे गोले बना दिए। बड़ा चूहा यह तो तुमने एक थाली में तीन लड्डू बना दिए हैं। क्या कह रहा है बड़ा चूहा, उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बनाने जा रहा है, तो इसलिए वो कह रहा है तुमने एक बड़ी सी थाली में तीन लड्डू बना दिए हैं। नन्हा चूहा आप कहते हैं तो इन्हें लड्डू ही नाम दे देते हैं। अब छोटा चूहा क्या कह रहा है, मुझे भी पता नहीं क्या आकृति बन रही है, तो आप कह रहे हैं तो मैं लड्डू ही दे दे रहा हूँ इनका नाम। नन्हा चूहा आप कह, नन्हे चूहे ने बड़े गोले के नीचे एक और बड़ा गोला बनाया, जो उसने बड़ा गोला बनाया था उसके नीचे एक और बड़ा गोला बना दिया। बड़ा चूहा अरे यह तो सेब है। अब बड़ा चूहे ने क्या कहा, अरे यह तो सेब है, जो नीचे बड़ा गोला बना है उसके लिए वो कह रहा है उसको सेब। नन्हा चूहा हाँ इसे सेब कह लेते हैं। नन्हे चूहे ने नीचे वाले गोले में टेढ़े मेढ़े से तीन आकार बना दिए। बड़ा चूहा अरे वाह ये तो ककड़ियाँ हैं, इन्हें देख कर तो मेरे मुँह में पानी आ गया। वो कह रहा है जो उसने टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनाई, उसने कहा कि अरे ये क्या है, ये तो ककड़ियाँ हैं, इनको देख कर मेरे मुँह में पानी आ गया। नन्हा चूहा बड़े भैया क्या ये असली जैसी लग रही हैं। अब नन्हा चूहा अपने बड़े भैया से क्या पूछ रहा है कि क्या आपको ये असली जैसी लग रही हैं। बड़ा चूहा हाँ भाई तुम जल्दी इस चित्र को पूरा करो। नन्हा चूहा सब्र कीजिए बड़े भैया, सब्र का फल मीठा होता है। नन्हे चूहे ने ऊपर वाले गोले के ऊपर दो छोटे तिकोने बना दिए। अब उसने जो ऊपर वाला गोला था उस पर दो छोटे छोटे तिकोने बना दिए, ये देख रहे हैं बुक में, सब लोग देखते रहिए अपनी। बड़ा चूहा चीखते हुए अरे अरे या अब तो तुम इसे बिल्ली की तरह बनाने लगे। अब बड़ा चूहा क्या कह रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, कह रहा है अब तो तुमने ये बिल्ली की तरह बना रहे हो चित्र को, खबरदार इस चित्र को पूरा किया तो, अगर तुमने इस चित्र को पूरा किया तो। नन्हा चूहा बड़े भैया आप बिल्कुल फिक्र ना करें, यह तो एक चित्र है। अब क्या है जो बड़ा चूहा है वो चित्र को देखकर डर रहा है। नन्हा चूहा चित्र को पूरा करता गया, उसने ऊपर के गोले पर लंबी लंबी मूंछें और मुंह बना दिया। बड़ा चूहा डर कर जोर से अरे बाप रे यह तो बिल्कुल असली बिल्ली लग रही है, मुझे इससे कौन बचाएगा। वो क्या कह रहा है, अरे तुमने तो एकदम असली बिल्ली बना दी है, मुझे इससे कौन बचाएगा। डर के मारे बड़ा चूहा कहाँ चला गया, अपने बिल में छिपने के लिए भाग खड़ा हुआ। देखा बच्चों चूहे बिल्ली से ही नहीं डरते हैं, बिल्ली की आकृति से भी डरते हैं। इस तरह क्या हुआ, जो बड़ा चूहा था जो पेंसिल कुतरना चाह रहा था वो उसने क्या किया, आकृति देखकर डरकर भागकर कहाँ छुप गया, अपने बिल में छुप गया। बच्चों कहानी समझ में आई है आप लोगों को, समझ में आई ना, इसको घर पे एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे और
आपने इससे क्या सीखा? जो लोग कोशिश करते हैं, छोटे चूहे को चित्र तो बनाना आता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, कोशिश की। कोशिश की तो उसने क्या बनाया, एक ऐसा चित्र बनाया जिसे देखकर बड़ा चूहा डर गया। उसने ऐसी बिल्ली बना दी उसमें कि उसको लग रहा था कि ये सचमुच की बिल्ली है। इसलिए अगर हम लोग कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम सफल अवश्य होते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा जीवन में कोशिश करते रहने चाहिए कि आगे सब अच्छा होगा और हमारे सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बच्चों पाठ सभी को अच्छे से समझ में आया है ना? ठीक है, इसको एक बार और पढ़ेंगे और इसमें जितने भी कठिन शब्द आए हैं उन सबको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और उनको दो तीन बार दोहराएंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है, जो भी एक्सरसाइज है, उसको भी करेंगे। अभी आप लोगों ने पाठ पढ़ा है ना, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उसके आंसर बताने हैं। अपना पेज नंबर बच्चों 15 ओपन करिए। पेज नंबर 15 ये है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ये वाला पेज खोलिए, पेज नंबर 15। बड़ा चूहा क्या कुतरना चाहता था बताइए बच्चों, बड़ा चूहा क्या कुतरना चाहता था? बड़ा चूहा क्या कुतरना चाहता था? पेंसिल। बड़ा चूहा क्या कुतरना चाहता था? पेंसिल। इसको बच्चों सही का निशान लगाइए इसके सामने। लगा लिया। खा नंबर पे क्या है? दूसरा बड़ा गोला किस चीज़ की तरह लग रहा था? जो बड़ा वाला चूहा था उसको दूसरा बड़ा गोला जो उसने बनाया था छोटे चूहे ने, वो किस तरह लग रहा था? सेब की तरह। किस तरह लग रहा था? सेब की तरह। इसके आगे सही का साइन लगाइए, सही का निशान लगाइए। गा नंबर पे क्या है? नन्हे चूहे ने किसका चित्र बनाया? किसका चित्र बनाया था बच्चों? बिल्ली का चित्र बनाया था। किसका बनाया था? बिल्ली का। तो यहाँ पे बिल्ली के सामने भी सही का निशान लगाइए। लगा लिया। पहले वाले में, का वाले में किस पे लगाया है? पेंसिल पे। और खा वाले पे किस पे लगाया आपने? सेब की तरह। और गा वाले पे बिल्ली का। लगा लिया ना। अब देखिए उसी के नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है भाषा बोध। क्या दिया गया है? भाषा बोध। इसमें क्या करना है? दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। क्या करना है? जो शब्द दिए गए हैं उनके विलोम शब्द लिखने हैं। आपको पता है ना विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा, उसका विपरीत शब्द। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बड़ा। बड़ा का क्या होगा बच्चों? छोटा। क्या होगा बड़ा का? छोटा। खा क्या है? हार। हार का क्या होगा? जीत। हार का विलोम शब्द क्या होता है? जीत। गा पे क्या लिखा हुआ है? अंदर। अंदर का विलोम शब्द क्या होता है? बाहर। घा का? धीरे। धीरे का विलोम शब्द क्या होता है? तेज। धीरे मतलब धीमे धीमे, तेज मतलब जल्दी जल्दी। गा अंगा। अंगा पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? असली। असली का क्या होता है? उल्टा, नकली। चा पे क्या लिखा हुआ है? पास। पास का क्या होता है विलोम शब्द? दूर। अब बच्चों देखिए जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है? समूह से अलग शब्द पर गोला लगाइए। कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, ये देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, समूह के अलग शब्द पर गोला लगाइए। जो अलग शब्द दिख रहा है समूह से उस पर क्या करना है? गोला लगाना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चूहा, बिल्ली, बकरी, मछली और गाय। तो किस पे गोला लगाएंगे बच्चों? मछली पे, क्योंकि मछली कहाँ रहती है? पानी में। और सब कहाँ रहते हैं? चूहा, बिल्ली, बकरी, गाय, ये सब कहाँ रहते हैं? ज़मीन पे। और ये मछली कहाँ रहती है? पानी में। इसलिए ये क्या है? समूह से विपरीत है, समूह से अलग है। अब दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? करेला, भिंडी, सेब, टमाटर, आलू। करेला सब्जी है, भिंडी भी सब्जी है, टमाटर भी सब्जी है और आलू भी सब्जी है, परंतु सेब क्या है? सेब है फल। इसलिए सेब पर क्या लगाएंगे? गोला लगाएंगे ऐसे। अब बच्चों क्या लिखा हुआ है? नीम, कमल, गुलाब, गेंदा, लिली। अब कमल, गुलाब, गेंदा और लिली क्या है? फूल है सब। और जो नीम है, नीम का क्या होता है? पेड़ होता है। सबने देखा है ना नीम का पेड़, इसलिए नीम पर क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। अब बच्चों उसी के नीचे आपका प्रश्न नंबर 3 है। जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें क्या लिखा हुआ है? वाक्यांशों को एक शब्द से मिलाइए। जो यहाँ पे वाक्यांश दिए गए हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं ना वाक्यांश, अनेक वाक्यों को, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है का नंबर पे, जहाँ पढ़ने जाते हैं। का नंबर पे क्या लिखा हुआ है बुक में देखिए? जहाँ पढ़ने जाते हैं। तो जहाँ पढ़ने जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
पाठशाला, क्या बोलते हैं? पाठशाला। पड़ोस में रहने वाला, जो पड़ोस में हमारे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पड़ोसी। तो खा नंबर को किससे मिलाएंगे? पड़ोसी से। जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को कौन पढ़ाते हैं? टीचर पढ़ाते हैं ना, शिक्षक पढ़ाते हैं। टीचर को हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षक। तो गा को किससे मिलाएंगे? शिक्षक से। जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो कौन होते हैं? शिक्षक। घा पे बच्चों देखिए, जो शिकार करते हैं, शिकार कौन करते हैं? शिकार करते हैं शिकारी। तो घा को किससे मिलाएंगे? शिकारी से। जो चित्र बनाते हैं, चित्र कौन बनाता है बच्चों? बताइए, चित्र कौन बनाता है? चित्रकार। कौन बनाता है? चित्रकार। तो अंगा को किससे मिला देंगे? चित्रकार से। इसको आप लोग बच्चों पेज नंबर जो आपका 15 है उसको पूरा कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सारा बुक में नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों आप लोग पेज नंबर 16, पेज नंबर ये जो है 16, इसको ओपन करिए। इसमें जो आपका प्रश्न 4 दिया गया है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कुछ अशुद्ध वाक्य आप लोगों को दिए गए हैं, इसको क्या करना है? शुद्ध करके लिखना है। जैसे लिखा हुआ है बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ है, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद नहीं होता है, क्या होता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा क्या लिखा हुआ है बच्चों, सब्र का फल मीठी होती है। क्या होता है बच्चों? ये गलत लिखा हुआ है ना, क्या लिखेंगे इसको? सब्र का फल मीठा होता है। तुम कितने बड़े कलाकार है, तो क्या होता है? तुम कितने बड़े कलाकार हो। यह असली बिल्ली लग रहा है, तो क्या होगा? यह असली बिल्ली लग रही है। अब बच्चों आप लोग इसको अपनी जो शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्लैंक है ना, यहाँ पे आप लोग इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे पहले वाले में? काम में क्या लिखेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे खा में? सब्र का फल मीठा होता है। क्या होता है सब्र का फल? मीठा होता है। तुम कितने बड़े कलाकार हो, गा नंबर पे क्या लिखेंगे? तुम कितने बड़े कलाकार हो। घा पे क्या लिखेंगे? यह असली बिल्ली लग रही है। घा नंबर पे लिखना है, यहाँ असली बिल्ली लग रही है। बच्चों इसको आप लोगों को करना है बुक में। और बच्चों जो ये दिया गया है प्रश्न 5, इन शब्दों के वाक्यों, इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें आपको क्या करना है, इन शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से कहानी को पढ़ा है, ये स्टोरी पढ़ ली है ना, अब इसको क्या करेंगे आप लोग? अपने आप से लिखेंगे। छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, अपने आप से बनाइएगा, ठीक है, घर पर। और बच्चों यहाँ पे एक आपको दिया गया है पेज नंबर 16 पे कार्यकलाप। यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे छोटे चूहे ने बिल्ली बनाई थी कुछ संकेतों को लेकर, वैसे ही आप क्या करेंगे, एक बिल्ली का यहाँ पे चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। यही बच्चों आप लोगों का होमवर्क है। एक क्या करना है, प्रश्न 5 करना है, वाक्य प्रयोग, वाक्यों शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है, और यहाँ पे क्या करना है, एक बिल्ली बनानी है और उसमें रंग भरना है, ठीक है बच्चों। अच्छे से अपना वर्क करेंगे, हार्ड वर्ड्स जो कठिन शब्द आए थे हमारी स्टोरी में उसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे, उसको लर्न करना है, और जो मैंने आपको 2 प्रश्न दिए हैं इसको आप लोगों को बुक में करना है। और ये जो भी वर्क है, जितना भी मैंने अभी तक करवाया अभ्यासकारी, ये सारा आप बुक में करेंगे अच्छी सुंदर राइटिंग में, ठीक है। अब आप लोगों को मैं नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊँगी कि कॉपी में आपको क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।